वेलकम टू संजीव कपूर किचन। आप सबका मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। मालाबार का जो खाना इतना बढ़िया है भाई, पूरा का पूरा जो कोस्टल खाना है वो इतना अच्छा है। अब चाहे वेस्टर्न कोस्ट हो या सदर्न कोस्ट हो, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस खाना बनता है। तो ये ग्रेवी जो है इतनी माउथ वाटरिंग है कि क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए थोड़ा सा कुछ काम करना है, मैं शुरू कर देता हूँ उसको। तो इसमें एक्चुअली थोड़ा सा कच्चा आम भी डालेंगे हम। तो ये मुझे चाहिए, अच्छा ये भी चाहिए, प्याज वगैरह भी चाहिए, और प्याज छोटे वाले हैं शैलट्स। तो एक काम करते हैं, ये प्याज, अब प्याज किस लिए चाहिए? देखिए प्याज जो हैं ग्रेवी में डालेंगे, लेकिन ग्रेवी में प्याज का टेस्ट आएगा। तो ये प्याज हो गए, और अब क्या चाहिए मुझे? कुछ मिर्च वगैरह भी ले लेते हैं, चलिए। और दो तरीके की मिर्ची है, हरी मिर्च है, और हरी मिर्च को मुझे आधा करना है, बस ज़रा स्लिट कर लेता हूँ मैं। और ये मिर्च ये लीजिए, और उसके साथ में ये वाली मिर्च चाहिए। अब देखिए ये जो मिर्च है ये कौन सी है? ये वही मिर्च है जो फ्राई करके लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बाज़ार में मिलती है मसाला भरी हुई, और इसकी खासियत ये है इसको बनाने में बहुत समय जाता है। इसको हम करी के अंदर डालेंगे, और करी में डालकर इसका स्वाद लेंगे। तो ये मिर्चें जो हैं बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे, ख़ास तौर से जब फ्राई होती हैं। चलिए अब इसके अलावा और क्या करना है? अच्छा एक काम करना है मुझे सबसे पहले, वो ये कि ये जो हैं मेरे पास हैं प्रॉन्स। वैसे आप चाहें तो इसको प्रॉन्स के अलावा फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, वेजिटेरियन मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा नमक, और उसके बाद इसमें ये हल्दी पाउडर, ये मिक्स कर लिया, और अब इसे हमने रख देना है फ्रिज के अंदर इसी तरह से मैरिनेट होने के लिए, बस नमक और हल्दी लगा कर। ये चलिए अब एक ज़रा थोड़ा सा पकाने का काम करते हैं। मेरे पास तेल, थोड़ा तेल ले लिया, और उसमें ये डाल देते हैं प्याज, ये लेकर इसे थोड़ा सा पकाना है। अच्छा जब तक ये पकते हैं एक काम और वो ये मेरे पास हैं मैंगोस, ये लीजिए कच्चे आम। अच्छा अब इसके ज़रा पीसेस, ज़्यादा छोटे नहीं, थोड़े बड़े बड़े पीसेस, और अब प्याज के साथ साथ और क्या है इसके अंदर? हाँ इसमें एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है ये, और ये है कोकोनट। जी हाँ, नारियल पिसा हुआ। ये जो नारियल है उसमें स्क्रेप किए हुए नारियल में आप थोड़ा ल्यूकॉम वाटर डाल कर रखें, और उसके बाद उसे ग्राइंड करें। ये देखिए नारियल, और ये डालेंगे इसमें, लेकिन अभी नहीं, अभी तो ज़रा मैं हरी मिर्च डालता हूँ, और ये वाली मिर्च, ये दोनों इसके अंदर, और अब ज़रा धनिया पाउडर, और उसके साथ साथ इसमें डालते हैं रेड चिली पाउडर, ये लीजिए, और इसमें डाल देते हैं ये कोकोनट, ये कोकोनट डाल दिया, अच्छी तरह से ज़रा मिक्स कर दें। और इसके साथ साथ इसमें क्या डालना है मैं बताता हूँ आपको, इसके साथ साथ इसमें डालेंगे नमक, ये नमक इसके अंदर, और इसमें डालें करी पत्ते, ये करी पत्ते इसके अंदर, और फिर इसमें डालते हैं ये इमली का पल्प। इमली का पल्प आ गया, मतलब ये जो ग्रेवी है ये तीखी भी है और थोड़ी खट्टी भी है, और मसाला कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नारियल का बेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो अब एक काम करना है, इसमें हमें अब चाहिए इसके अंदर पानी। जी हाँ, पानी डालकर इसे पकाना है हमें कुछ देर तक। ये डाला पानी, आप देखिए पानी मैंने काफ़ी ज़्यादा डाला है इसके अंदर, ये लीजिए
पानी डाल दिया और पानी डालकर इसे पकने देना है ताकि इसमें जो सारी चीज़ें हैं, सारे फ्लेवर्स हैं, वो अच्छी तरह से निकल के आए इसमें से, और इसे पकने देते हैं हम। और इसके अंदर हमें ये भी चाहिए ड्रमस्टिक्स, और ये जो ग्रेवी है अब ये, हाँ, अलग से मसालेदार ग्रेवी। अच्छा, अब ये जो ग्रेवी है ये पक पक के थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, अभी इसे हमने छानना है। अच्छा, एक और काम मैंने किया है, वो ये कि यहाँ पर ये ड्रमस्टिक्स जो हैं उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है, तो ये पकती रहेंगी। और यहाँ पर ये ग्रेवी हम छान लेते हैं, ये सारा का सारा स्वाद इन सब चीज़ों का इसके अंदर, ये। और अब सब इसके अंदर से हम छान लेते हैं, और ये देखिए नीचे जो ग्रेवी है उसमें सारा मसाला, सारा स्वाद नीचे चला जाएगा। आप देखेंगे कि जो ग्रेवी है उसमें टेस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन दिख काफ़ी कम चीज़ें रही हैं। ये ग्रेवी हमारी तैयार, लवली। खैर, अब इसे और बढ़िया बनाने के लिए क्या करना है, एक काम करते हैं। इसमें ये है मेरे पास मेथी, ये लीजिए, और उसके साथ साथ इसमें थोड़ी सूखी लाल मिर्चें, और ये जो लाल मिर्च है इसे मैं तोड़ के इसके अंदर डाल देता हूँ, ये लीजिए। ये कच्चा आम इसके अंदर, ये लीजिए। और अब ये सब चीज़ें मिक्स कर लें, और अब इसके अंदर ये प्रॉन्स, आप चाहें तो फिश से भी इसे बना सकते हैं, और ये ले लिया, इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं हम। इसके अंदर डालेंगे ये ग्रेवी, ये ग्रेवी इसके अंदर, और इसे मिक्स कर देते हैं। और मुझे चाहिए ये जो हमारे ड्रमस्टिक्स हैं, ड्रमस्टिक इसके अंदर। इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली रखिए, आप ज़्यादा ग्रेवी को थिक ना करें, और इसको खाने का मज़ा आता है स्टीम राइस के साथ, या फिर अपम के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये, लेकिन अभी नहीं, अभी इसे पकने दें। पकने के बाद में जो करी तैयार होगी वो इतनी बढ़िया। हाँ, इसको आप थोड़ा सा, इसका रंग अभी हल्का लग रहा है, थोड़ा सा और गाढ़ा रंग हो सकता है, लेकिन उस केस में मसाले जो हैं थोड़े ज़्यादा डालने पड़ते हैं, मैंने कम डाले हैं, लेकिन आप ज़्यादा मसालेदार भी इसे बना सकते हैं। इसे तब खाएं जब प्रॉन्स पूरी तरह से पक जाएं, ओवर कुक ना करें, और फिर मज़ा आएगा बढ़िया से मलबारी प्रॉन्स का। मलाबार चैमिन करी बनाने के लिए आपको चाहिए 500 ग्राम छोटे प्रॉन्स, 10 से 12 शैलट्स, 2 हरी मिर्च, 4 कर्ड चिलीज, 2 कच्चे आम छिले हुए, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 5 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 कप किसे हुए नारियल की पेस्ट, 10 से 12 कड़ी पत्ते, 1 बड़ा चम्मच इमली का पल्प, 2 सहजन की फली, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना हल्का कूटा हुआ, और 4 सूखी लाल मिर्चें। मलाबार चैमिन करी बनाने के लिए प्याज को आधा आधा काट ले, हरी मिर्च में चीरा लगा ले, आम को मोटा मोटा काट ले, प्रॉन्स में नमक और हल्दी पाउडर लगा के 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने रखें। अब एक नॉनस्टिक पैन में 3 बड़े चम्मच तेल गरम करें और इसमें प्याज को भून ले। इसमें हरी मिर्च, कर्ड चिली, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और किसे हुए नारियल की पेस्ट मिला दें। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं और उसमें डालें नमक, कड़ी पत्ते और इमली का पल्प। अब 1 कप पानी डालें और ग्रेवी को कुछ मिनट तक पकने दें। ग्रेवी को छान लें और करछी से दबाकर सारा रस निचोड़ लें। बचा हुआ तेल दूसरे नॉनस्टिक पैन में गरम कर लें और इसमें डालें मेथी दाना, सूखी लाल मिर्चें और आम। फिर इसमें प्रॉन्स डालकर 1 मिनट तक भूनें। अब ग्रेवी और पकी हुई सेजन की फली इसमें डालें और अच्छी तरह मिलाकर 3 से 5 मिनट तक इसे पकाएं। अब इस मलाबार चैमिन करी को गर्मा गर्म परोसें।